हेलो क्लास, आज हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे स्लाइड प्रिपरेशन का। ये आपका है प्रिपेयर अ टेंपरेरी माउंट। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ टेंपरेरी माउंट ऑफ द गिवन रूट टिप। आपको अनियन की यानी प्याज की रूट की टिप दी जाएगी फॉर द स्टडी ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। हमें पता है कि रूट टिप में क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन है उस टिप में, और वहां से हम इसको स्टडी करेंगे, स्लाइड प्रिपेयर करेंगे इसको। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, विच मटेरियल आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड हियर। वी रिक्वायर्ड अनियन रूट्स, अनियन रूट्स की जो टिप्स हैं, ये फ्रेशली भी हो सकती है, प्रिजर्व भी मिल सकती है आपको। इसके बाद एक केमिकल चाहिए, दैट्स केमिकल इज एसिटोकार्बेन सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ द कार्बेन पाउडर एंड इट इज डिजॉल्व इन द एसिटिक एसिड। So, acetic acid actually responsible to separate out the chromosomes during the cell division, during the process of the making slide. So, acetocarbene solution is required. One filter paper is required here. Plain slide, cover slip, spirit lamp and required a pencil. एक pencil चाहिए आपको जिसकी tip बिल्कुल blunt हो, blunt tip की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन जो हम लोग करेंगे वो ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोपिक होगा, यानी इस स्टेज को हमें माइक्रोस्कोप में स्टडी करना है। जब हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन को, तो वी फाइंड द फोर स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्या है इसमें, कैसे आप इसको ऑब्जर्व करेंगे? अगर प्रोफेज दिख रही है आपको, तो प्रोफेज मीन्स कि जो क्रोमोसोम्स है उसकी क्वाइलिंग नजर आएगी, इजिली विजुलाइज्ड हो जाएंगे, आसानी से दिखने लगेंगे, और न्यूक्लियोलस जो उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, ये धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो रहा होता है, इट मींस कि ये प्रोफेज है। मेटाफेज स्टेज में यू फाइंड अ इक्वेशनल प्लेट इज देयर, एक बीच में प्लेट नजर आ रही है, इक्वेशनल प्लेट, और दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स की तरफ, दो पोल्स की तरफ इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। यानी कि मेटाफेज स्टेज में आपको स्पेसिफिक शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इज विजुलाइज्ड। थर्ड स्टेज अगर आपकी स्लाइड में एनाफेज है, तो एनाफेज स्टेज में स्प्लिटिंग है क्रोमोसोम्स की, ये स्ट्रेच होकर के दोनों अपोजिट पोल की तरफ आधे आधे क्रोमोसोम्स इसके जा रहे हैं। अब हाफ ऑफ साइड में जा रहे हैं क्योंकि ये माइटोसिस सेल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो टेलोफेज स्टेज में आपको दो सेल्स नजर आएगी, और दोनों सेल्स कैसी है, इट इज नोन टू बी अ रिवर्स प्रोफेज। जो प्रोफेज में आपको सिंगल सेल दिख रही थी, वही टेलोफेज में आपको दो सेल्स दिख रही हैं, दोनों डॉटर सेल्स हैं, रिकॉग्नाइज होंगी, और न्यूक्लियोलस जो डिसअपीयर हो गया था वो फिर से अपीयर हो जाएगा। तो आपके स्लाइड में इनमें से कोई भी स्टेज दिख सकती है, डिपेंड करता है कि उस समय जब आपने स्लाइड बनाई है तो फ्रेशली ली हुई ऑनियन रूट टिप में कौन सी स्टेज चल रही थी। बेसिकली किसी किसी स्लाइड में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सभी विजुलाइज हो जाती हैं, लेकिन किसी किसी स्लाइड में एनाफेज, टेलोफेज और मेटाफेज भी दिखती है। तो अब हम लोग इसको टेबल पर परफॉर्म करेंगे कि टेबल पर ये किस तरीके से इसको किया जाएगा। ये अनियन है हमारी, इस अनियन को हमने वाटर के अंदर इस कॉनिकल फ्लास्क में एक वीक तक के लिए इसको इन्वर्टेड करके रखा है, जिससे इसकी जो रूट है वो पूरी तरह से डेवलप हो गई है। आप देखिए ये अनियन की रूट है। इस अनियन की रूट्स में आप इजीली देख सकते हैं कि स्लाइट ब्राउन कलर अपीयरेंस है बिल्कुल टिप के ऊपर। यही आपका जोन ऑफ सेल डिवीजन है, यही जोन ऑफ सेल डिवीजन में ही आपको स्टेजेस दिखाई देंगी। तो हमें केवल इतना ही पोर्शन लेना है जो आपका लाइट ब्राउन कलर का अपीयरेंस है, यानी कि जोन ऑफ डिवीजन है। इस रूट को हम पहले एक सिंगल रूट ले लेते हैं, और इस सिंगल रूट को इसको फॉर्सेप की हेल्प से हम इसे तोड़ लेते हैं। ये टिप वाला रीजन है। इसके बाद हम एक प्लेन स्लाइड लेंगे, इसमें हम प्लेन स्लाइड लेते हैं, सरफेस बिल्कुल प्लेन है आप देखिए इसकी, और इस प्लेन स्लाइड को या ब्लेड की हेल्प से या किसी शार्प नाइफ की हेल्प से इस ब्राउन कलर के टिप को हम
स्लाइटली इसको थोड़ा सा जितना भी ब्राउन कलर का बहुत ही लिटिल बहुत ही थोड़ा सा इस पीसेस को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और कट करके इसको हम स्लाइड पे रख लेते हैं। ये कटिंग पीसेस है, इस छोटे से पीस को हमने इस पे ले लिया। इसके बाद हमें जरूरत है इस एसिटोकार्बिन सोल्यूशन की। एसिटोकार्बिन सोल्यूशन से ही हम लोग न्यूक्लियस की स्लाइड या सेल डिवीजन की स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। इस एसिटोकार्बिन सोल्यूशन को ब्रश की हेल्प से या फिर इसे किसी पेट्री डिश में थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ये है एसिटोकार्बिन सोल्यूशन। इस एसिटोकार्बिन सोल्यूशन को हम इसके ऊपर पोर कर देते हैं जो हमने रूट टिप को कट किया है। ये आपके इसके अंदर पोर हो गई। इसके बाद क्योंकि हमें थोड़ा सा हीट देने की जरूरत है, हीट इसलिए इसको करते हैं कि जिससे कि ये रूट टिप जो है ये इसको एब्जॉर्ब कर ले, सेल्स जो है एसिटोकार्बिन को एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए फिर हम हीट देने के लिए ये स्प्रिट लैम्प को यूज करेंगे। इस स्प्रिट लैम्प को जला लेते हैं और जलाने के बाद इस स्लाइड को अब हल्का सा हीट करने के लिए बिल्कुल स्लाइट फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा थोड़ा सा हीट करें कि जिससे ये एसिटोकार्बिन ये एब्जॉर्ब कर लें जो हमने रूट टिप का पोर्शन कट करके रखा हुआ है स्लाइड के ऊपर। इसको थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का सा हीट करते हैं जिससे ये एब्जॉर्ब कर लें। इसके बाद हम इसके ऊपर एक थोड़े से देर के लिए ठंडा होने को रख देते हैं। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसके ऊपर हम कवर स्लिप को सेट करेंगे, कवर स्लिप लगा देंगे इसके ऊपर। ये कवर स्लिप हमने पोर कर दिया इसके ऊपर। अब अगर ये ड्राई हो रहा है तो साइड से ब्रश की हेल्प से स्लाइड के अंदर इसको एसिटोकार्बिन सोल्यूशन को इसके अंदर हम धीरे धीरे करके अंदर पहुंचा देते हैं ताकि जो मटेरियल है वो ड्राई ना होने पाए। अब क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है तो इसको थोड़ा ब्लंट करने के लिए यानी क्रश करने के लिए जिससे स्टेज हमारी नजर आए, इसको थोड़ा सा हीट करके और फिर ये आपका ब्लॉटिंग पेपर है, इस ब्लॉटिंग पेपर को हम इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। जो इसका एक पर्पज और होता है कि स्लाइड के बाहर जितना भी एसिटोकार्बिन सोल्यूशन है वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेंटर में हमने रखा है इसको, ये सेंटर में आपका मटेरियल है जो अनियन का रूट टिप है। इसको हमें इस तरह से करने के बाद पेंसिल को यूज करेंगे। पेंसिल जिसकी जिसका एक हिस्सा जो बिल्कुल ब्लंट होगा, इससे हम इसको टिपिंग करेंगे हल्के हल्के, बहुत जोर से नहीं करते हैं, हल्के हल्के इसको टिपिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो रूट टिप है उसके जो सेल्स हैं वो क्रश हो जाते हैं और क्रश होने से ये बिल्कुल स्लाइड के ऊपर देखिए क्रशिंग हो गई, बिल्कुल ये क्रश हो गया है। क्रश होने के बाद क्रश होने से स्लाइड बिल्कुल जो है इससे अटैच हो जाएगी, चिपक जाएगी। और क्रशिंग के बाद आप इसको इस स्लाइड को अच्छे से इसको क्रशिंग कर लें। अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल ड्राई हो रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा एसिटोकार्बिन पोर कर देंगे साथ में और वही प्रोसेस है कि आपको सब तरफ से देने के बाद स्लाइड के इसको थोड़ा सा आपको हीट देना पड़ेगा। स्प्रिट लैम्प से हीट करिए और हीट करने के बाद फिर से इसको रख करके थोड़ा सा इसकी टिपिंग करिए। देखिए एक्सेस अमाउंट में जितना भी स्लाइड के चारों तरफ है इसको ब्लॉटिंग पेपर से आप ऐसे करके इसको एब्जॉर्ब करा सकते हैं जिससे आपकी स्लाइड नीट एंड क्लीन नजर आए। अब इसको हम हाई पावर माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी करेंगे जिसमें हमें प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज ये स्टेजेस इसमें नजर आएंगी। ये आपकी माइटोसिस की स्लाइड है।
ये स्लाइड को बनाने के बाद आपको अपनी कॉपी में इसका पूरा प्रिपरेशन कि कैसे आपने बनाया है, क्या एम है, क्या ऑब्जर्व किया इसमें आपने, उसका डायग्राम ड्रॉ करके और कैसे आपने फाइंड आउट किया कि ये स्टेज जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जिसमें स्लाइड बनाना है। आपके सिलेबस में 2 स्लाइड्स थी, एक अनियन रूट टिप की स्लाइड है और दूसरी पॉलन जर्मिनेशन की स्लाइड है। इनमें से कोई एक स्लाइड आपको एग्जाम में करने को मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।